स्टूडेंट्स अब हम वन वे इनकोवा को देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और कब किया जाता है वन वे इनकोवा जो है एक्चुअली इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वन वे इनोवा बट इन वन वे इनकोवा वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग को वेरिएट्स और इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टीन्यूस ही होता है जबकि आपके आई वीज और कोवेरिएट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं इंटरवल भी हो सकते हैं और डाइकोटमस भी हो सकते हैं इसका जो प्रोसीजर है परफॉर्म करने का वो आप एनालाइज में जाएंगे और जनरल लीनियर मॉडल को सिलेक्ट करेंगे जी मॉडल को और उसमें से यूनिवेरिएट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जैसे यहाँ पे मैंने पोस्ट ट्रीटमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है ग्रुप करेक्टरिस्टिक को फिक्स्ड फैक्टर ये मेरा है और उसके साथ को में मैंने उसकी जो है प्री ट्रीटमेंट जो हेल्थ है वो ले ली है और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके जो है फैक्टर स्ट्रक्चर में जो है ग्रुप का स्ट्रक्चर देखूंगा विद मोनोफेरोनी एस्टिमेशन एडजस्टमेंट और इसके साथ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एस्टिमेट और अफेक्ट साइज को मैं ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लूँगा तो इसका जो जो मेन टेबल है वो ये आएगा टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट्स अफेक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्स केयर पॉइंट नाइन सेवन जीरो है जो जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है हमारा करेक्टेड मॉडल की वैल्यू सिग्निफिकेंट है और हमारे जो ग्रुप की वैल्यू है वो पॉइंट एट थ्री सेवन है यानी ग्रुप डज एन हैव एन अफेक्ट ऑन द पोस्ट हेल्थ ऑफ अ पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट तो ये हमें ये बता रहा है कि जो मीन स्यर है वन पॉइंट थ्री जीरो ये ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप ये आ, जो है इसकी बेसिस पे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन हो रहा है यानी प्री आ, और पोस्ट आ, में हमने जो एक ग्रुप बनाया था कि जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया या जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उस बेसिस पे ग्रुप करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे पार्शल ईटा स्केयर पॉइंट एट थ्री सेवन है, जो कि क्वाइट हाई है तो ग्रुप का अफेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे और ये तमाम मिलकर आर स्केर पॉइंट नाइन सेवन जीरो जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं